नमस्ते प्रणाम जय श्री राम। मैं हूं आपका दोस्त राज सोनी और आप देख रहे हैं प्रिया म्यूजिक स्टूडियो। जी हां दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं क्या नाम है, प्रयागराज से सूबेदार बीएन प्रसाद। हां सूबेदार बीएन प्रसाद जी प्रयागराज से हैं। आज इनका एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग हुआ है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा प्रयास किए हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा और आशा है कि आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो बहुत ही जल्द ये आप लोग को इनका ऑफिशियल चैनल से देखने को मिलेगा। हम इनके सॉन्ग को अपने चैनल से प्रमोट कर देंगे तो आप लोग के पास भी पहुंच जाएगा। आइए कुछ इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में परिचय दीजिए। जी मैं आर्मी से रिटायर्ड 30 साल सर्विस करने के बाद में। जी थोड़ा सा उधर मुँह कर लीजिए। हाँ मैं आर्मी से रिटायर्ड 30 साल सर्विस करने के बाद में सूबेदार से रिटायर किया। जी जी और मेरा नाम सूबेदार बीएन प्रसाद वर्मा रिटायर्ड प्रयागराज से मैं हूँ। अच्छा अच्छा। और पूर्व सैनिक जो हमारा वेटनर्स इंडिया ऑल इंडिया का एक पूर्व सैनिक संगठन है। जी जी उससे मैं जुड़ा हूँ और प्रयागराज का मैं उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा। तथा स्वर्णकार ऑल इंडिया स्वर्णकार संस्था का मैं महासचिव हूँ। अच्छा। स्वर्णकार बोर्ड का भी मैं महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश का। जी जी। तो मेरी जिज्ञासा रहती है कुछ ना कुछ बनाऊं और अपनी भावनाओं को मैं समाज में लाऊं, चाहे चुनाव के समय हो, उस समय भी, चाहे अग्निवीर के बारे में हो, चाहे जो कि नहीं बच्चे पैदा होते हैं सोहर। जी जी जी। हाँ मतलब हर टाइप का जी जी लाते रहते हैं। एक गाना ये स्वर्णकारों पर मैं लिखा था कि एक बेचारी जो कि नहीं स्वर्णकार की फैमिली दुकान खोली है। हाँ, हाँ, और उधार आदमी जब दे देता है तो पैसा लेने में बड़ा मुश्किल होती है दुकानदारों को। उसकी भावना को मैं प्रदर्शित किया है। उसका पति फौजी है। अच्छा। और दुकान तो खोला दिया है, जब छुट्टी आता है पूछता है पैसा दिए कि नहीं दिए। ना अभी तो ना मिला, पैसा मांगता है तो नाराज होते हैं हम लोग। उसी भावना को मैं प्रदर्शित करने की कोशिश किया हूँ। बाकी सभी लोग ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। व्यवहार से आदमी उधार भी देते हैं और लेते भी हैं, लेकिन ये की आनंद लेने का एक तरीका है। तो मतलब वही सब अपने गीत के माध्यम से। जी जी जी। हमने सोचा कि थोड़ा पब्लिक को आनंद भी आए और भावनाओं को प्रदर्शित भी कर दिया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आपका स्टूडियो बहुत अच्छा लगा मुझे। जी थैंक यू। तो ये थे सूबेदार जी जो कि इलाहाबाद से अभी मुंबई आए हुए थे घूमने के लिए। तो कहीं से मेरा नंबर इनको, कहाँ से मेरा नंबर मिला? यूट्यूब पर देखा। अच्छा अच्छा। तो प्रिया म्यूजिक स्टूडियो। जी जी। तो मैं लोकमान तिलक टर्मिनल से आपके यहाँ आया हूँ स्टूडियो। जी जी। तो बेसिकली गांव से आए थे घूमने के लिए, तो इनको इच्छा हुई कि एक गीत रिकॉर्डिंग किया जाए। तो मेरा नंबर यूट्यूब से इनको मिला तो संपर्क किए और आए। तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके, बहुत ही अच्छे हैं और अच्छा गाते भी हैं। पहली बार मैं आपके स्टूडियो में गाया हूँ। जी, जी तो ऐसे में रोडों के ऊपर अपने मोबाइलों के ऊपर गाता रहता हूँ आनंद लेने के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखता हूँ लोग कैसे पसंद करते हैं। जी जी। तो यही था, बाकी जो भी हमारे कलाकार भाई इस वीडियो के देख रहे हैं, अपना ऑडियो वीडियो अगर बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9892742921, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा। और मेरा स्टूडियो वसई के फादरवाड़ी में है। तो आप लोग व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी आप कुछ बोलना चाहेंगे तो? बहुत बढ़िया लगा आपका व्यवहार, आपका जो पंचुअल टाइम आपकी है। हमको आप बुलाए थे 4 बजे, करेक्ट 4 बजे आप खोल दिए दरवाजा और बिल्कुल टाइम टू टाइम करते हैं आप। ये एक बहुत पंचुअलिटी आप में है, मैं देखा है। और आपके पास जानकारी भी है, मैं पहला बार गाने वाला आदमी को आप कैसे सेट कर दिए, मैं भी अचंभा कर रहा हूँ। कम समय में आपने हमको ऐसे ट्रैक पर लाए, मैं बिल्कुल योग्य नहीं, आत्मविभोर हो गया। ये आपकी खूबियां है, हमारी नहीं। तो बस यही था, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्कार।